छाया के प्यार, नवग्रह में तुम राज दुलार, चरणों में सब शीश नवाए, नीलांबर को धारण करते, श्याम वर्ण देवा है सजते, माथे मुकुटा सजता प्यारा, हाथों में त्रिशूल कुठारा, गले में मुक्तन माल को धारा, वक्र दृष्टि से भय सब खाते, देव देवता हो नर नारी, साढ़े साथी सब पर है भारी, सब कर्मों का फल मिल जाता, शनिवर की गाथा सुनो, भक्तों सबसे महान, शनि चरणों का लगा लीजिए, भक्तों सच्चा ध्यान, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। एक बार नव ग्रह थे सारे, एक जगह पर आन पधारे, उनमें ये बहस छिड़ाई, सूरज बोले मैं तो बड़ा हूँ, सृष्टि को रोशन करता हूँ, तभी चंद्रमा सन्मुख आए, राहु केतु गर्व में फूले, ग्रहण लगाते कोई न भूले, गुरु बृहस्पति क्रोध में आए, उधर शनि चुपचाप खड़े हैं, नवग्रह को वो देख रहे हैं, बात सुनी सन्मुख फिर आए, नवग्रहों को दिए बताए, मेरी शक्ति का नहीं तुमको कुछ अनुमान, अभी चूर्ण करता हूँ मैं तुम सबका अभिमान, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। मैंने गणेश के सिर को उड़ाया, राम को वन मैंने भिजवाया, लक्ष्मण मूर्छित मैंने कराया, रावण को मैंने मरवाया, हरिश्चंद्र नारी बिकवाया, सब कर्मों का फल मैं देता, इसीलिए इस बात को मानो, शक्तिशाली मैं हूँ जानो, तुम सब हो मुझसे तो छोटे, करी अनसुनी शनि की बातें, सभी ग्रह बिल्कुल ना माने, इंद्र सभा में हम जाते हैं, प्रश्न वही पर दोहराते हैं, नवग्रह सारे जा पहुँचे देवराज के पास, प्रश्न आज एक लाए हैं, सुन लो बहुत ही खास, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज, बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। हम ग्रह आए पास तुम्हारे, उत्तर दो प्रश्नों का हमारे, कहो हम में से कौन बड़ा है, प्रश्न सुना सारे चकराए, कौन से ग्रह को बड़ा बताए, जिसको बड़ा मैं आज बताऊं, दूजे ग्रह को शत्रु बनाऊं, कोई उत्तर सूझ न पाए, नारद जी फिर सन्मुख आए,
पुत्र आज मैं तुम्हें बताऊं विक्रमादित्य की कथा सुनाऊं। विक्रम पृथ्वी पर राजा है, प्रजा का पालक वो तो बड़ा है, न्याय प्रिय है, न्यायशील है, प्रजा का अपनी वो तो प्रिय है। आप सभी चल जाइए विक्रमादित्य के पास, आपके प्रश्नों का उत्तर है उसी के पास। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। नवग्रह पृथ्वी लोक में आए, विक्रमादित्य के महल सुहाए। विक्रम ने जब ग्रहों को देखा, चरणों में फिर माथा टेका। कहिए नवग्रह कैसे आए, ग्रह मन की तब बात बताए। पहले विक्रम भी चकराया, धातु आसन बनवाए, सोना हीरा चांदी लाए, स्वर्ण का आगे था लगवाया, पीछे भिजवाया। अपनी पसंद का आसन चुनना, जाकर आप तो उस पे बैठना। छोटा बड़ा मैं बतलाऊंगा, आज मिटा जाऊंगा। सूर्य स्वर्ण पर बैठ गए, शनि को लोहा भाए। छोटा बड़ा बताने को विक्रम सन्मुख आए। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। लो निर्णय अब हो ही चुका है, लीजिए फैसला आ ही गया है। सूर्य देवता सबसे बड़े हैं, शनि आखिर में पीछे खड़े हैं, इसीलिए शनि सबसे छोटे। निर्णय आज ये सबको बताते, शनि देवता क्रोध में आए। साढ़े साथी अपनी फिराए, घोड़ा व्यापारी बन कर आए। उड़ने वाला घोड़ा दिखाया, विक्रम को पहचान न पाया। विक्रम करने चला सवारी, घोड़े पर एक पेड़ लगा ली। ले विक्रम को घोड़ा भागा, विक्रम बन गया आज अभागा। बीच जंगल छोड़ गया, विक्रम था चकराए। हाय विधाता क्या हुआ, विक्रम समझ न पाए। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। कपड़े लते चोरों ने झटके, इधर उधर विक्रम था भटके। एक सेठ को दया थी आई, विक्रम खाने को था बैठा। खूंटी पे एक हार टंगा था, विक्रम खाना खाता जाए, हार निगलता जाए। चोरी का इल्जाम लगाया, हाथ पैर विक्रम तुड़वाया। दुख विक्रम का बढ़ता जाए, सेठ ने बाहर था पिकवाया। एक तेली घर लेकर आया, अपना कोल्हू था हकवाया। दीपक राग को विक्रम गाया, शनि के गुण वो गा रहा, क्षमा मांगता जाए। भूल हुई मुझसे शनि, छोट
का तुम्हें बता। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। शनि ने कृपा दृष्टि फिराई, राज की राजकुमारी आई। विक्रम की आवाज सुनी थी, शादी की जिद पर बाड़ी थी। राजा के मन ये ना भाया, राजकुमारी ने हठ लाया। जैसे ही फेरे पड़ने लागे, शनि कृपा बरसाने लागे। हाथ पैर वापस थे आए, खोया राज फिर दिया लौटाए। ये तो विक्रमादित्य है राजा, धूमधाम से विवाह रचाया। उपहारों संग विदा कराया, नाचते गाते वापस आए। घर घर घी के दीप जले, हुआ हर्ष उल्लास। विक्रम शनि का नाम ले, शनि नाम पर काश। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। विक्रम ने सबको बतलाया, ये सब है शनिवर की माया। नव ग्रहों में श्रेष्ठ शनि है, शनि मंदिर पावन बनवाया। शनि स्थापित वहाँ कराया, हर शनिवार को मंदिर जाते। शनिवार की गुणगान थी गाते। शनि अमावस जब भी आती, विक्रम के मन को थी भाती। मंदिर में मेला लगवाता, शनि भंडारा विक्रम करता। भूखों को भोजन करवाता, प्यासों को पानी पिलवाए। शनि के गुण वो गाता जाए, सबसे पहले ले रहा शनि देव का नाम। बारंबार वो कर रहा चरणों में प्रणाम। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। शनिवार मंदिर में जाता, तेल से फिर स्नान कराता। काली उड़द का भोग लगाता, काले वस्त्र शनि के बनवाए। अपने हाथों से पहनाए, लोहा तिल और तेल चढ़ाए। शनि श्रेष्ठ है वो बतलाए, शनि ने कृपा दृष्टि फिराई। विक्रम को दी अमर बनाए, इतिहास में नाम कराया। विक्रम शनि के मन को भाया, आओ हम शनि धाम को जाए। तेल से हम भी स्नान कराए, चंदन का हम तिलक लगाए। शनि देव की कृपा पाए, हे शनिवर दया करो, हम है तुम्हारे दास। दूर कभी भी ना करना, रखना चरण के पास। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो भक्तों के सरताज। बोलो जय जय शनि राज, तुम हो
भक्तों के सरदार। हम सूर्य पुत्र शनि देव की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य पुत्र शनि देव के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको सूर्य पुत्र श्री शनि देव की कथा सुनाएंगे। शनि देव को कलयुग के न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। मानव के सभी कर्मों का शनि देव ही उचित फल देते हैं। भक्त जनों पर इनकी कृपा सदैव बनी रहती है। पुराणों में वर्णित शनि देव महिमा और कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी भक्त कथा को श्रवण करके पुण्य प्राप्त करेंगे। शनि देव के दर पे जो जाता है खाली हाथ, दुनिया भर की खुशियों को लाता है अपने साथ। शनि देव से पापी और अधर्मी तो डरते हैं, क्योंकि अपराधी कुछ मान ही शनि देव करते हैं। प्रसन्न जिन भक्तों पर होते भर देते भंडार, शक्ति बड़ी निराली इनकी महिमा अपरंपार। जिनके मन मंदिर में होता शनि देव का वास, कभी कष्ट भूले से भी ना जाए उसके पास। निर्बल पर अन्याय कभी ये सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जैसा कि हमने आपको बताया कि शनि देव कलयुग के न्यायाधीश हैं, भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं, किंतु दुर्जन और दुष्ट उनकी नजरों से बच नहीं सकते। शनि देव सदैव उन्हें उचित दंड भी देते हैं। भक्त जनों, भूल कर भी कभी शनि देव का अपमान नहीं करना चाहिए। आरंभ करते हैं सूर्य पुत्र श्री शनि देव की पावन गाथा। शनि देव के जन्म की गाथा अब सुनो लगा के ध्यान, सुनने मात्र से भक्तों का हो जाएगा कल्याण। ग्रंथों में भी शनि देव की कथा पाई जाती, और संतों की वाणी में भी गाई है जाती। विश्वकर्मा जी की पुत्री को भक्तों संज्ञा बताए, सूर्य देव जिन्हें अपनी पत्नी बना के है लाए। जब संज्ञा का सूर्य देव से हुआ ब्याह संपन्न, तब कुछ वर्षों बाद हुई संतान तीन उत्पन्न। वंश वेल को सूर्य देवता आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, सूर्य देव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से विवाह किया तो उनको सूर्य देव से तीन संतान उत्पन्न हुई। संज्ञा देवी से तीन संतान पाकर सूर्य देव अति प्रसन्न हो गए।
उन्होंने शुभ मुहूर्त में उनका नामकरण करवाया। बड़े पुत्र को उन्होंने मनु नाम दिया, छोटे पुत्र को यम और अपनी पुत्री को यमुना नाम दिया। सूर्य देव ने फिर तो नामकरण है करवाया, ज्योतिषियों मनु यम और यमुना है तो बतलाया। तीनों ही सूर्य देव के जैसे ज्ञानवान गुणवान, सभी कलाओं में प्रवीण है गुण और बल की खान। संज्ञा देवी अपना पत्नी धर्म निभाती है, तप सहन पर सूर्य देव का कर नहीं पाती है। इस कारण संज्ञा ने अपने मन में किया विचार, तप करने से हो सकता है मेरा कुछ उद्धार। सूर्य देव इस बात को किंतु जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, संज्ञा देवी के सूर्य देव से तीन संतानें तो उत्पन्न हो गईं, किंतु संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थीं और सूर्य देव अति तेजवान थे। सूर्य देव का ताप कभी भी संज्ञा से सहन नहीं होता था, किंतु वो अपने पत्नी धर्म का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर रही थी। जब उनसे सूर्य देव का ताप सहन नहीं हुआ तो उन्होंने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने और सूर्य देव के तेज को कुछ कम करने का निश्चय किया। संज्ञा देवी के मन में क्या चल रहा है सूर्य देव कुछ भी नहीं जान पाए, किंतु तपस्या करने के लिए एकांतवास में जाना अति आवश्यक था। संज्ञा देवी के मन में एक उपाय आया। संज्ञा देवी को उत्तम फिर सूझाए क्यों पाए, अपने जैसी परछाई एक उसने दी है बनाए। रंग रूप सब कुछ उसने संज्ञा जैसा पाया है, इस कारण संज्ञा ने उसको नाम दिया छाया है। कहने लगी छाया से मुझको तप करने है जाना, और तुम मेरे जैसे अपना पत्नी धर्म निभाना। छाया तो थी संज्ञा देवी की ही खुद पर छाई, दिया आदेश जो संज्ञा ने तो मना नहीं कर पाई। बहन के जैसे उन दोनों के रिश्ते नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार संज्ञा देवी ने छाया का निर्माण किया और कहने लगी मुझको तपस्या करने के लिए वन में जाना है, और सूर्य देव को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती, इस कारण मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे जैसे ही अपना पत्नी धर्म निभाना और ध्यान रखना, सूर्य देव को इस बात का पता ना चल पाए। छाया देवी को अपना कार्यभार सौंप कर संज्ञा देवी निश्चिंत होकर जाती हैं। छाया को अपने बच्चों का देकर सारा भार, संज्ञा चली गई भक्तों विश्वकर्मा जी के द्वार। उनके पिता विश्वकर्मा ने जब सच्चाई को जाना, संज्ञा देवी के विचार को उचित नहीं माना। कोई भी सहयोग नहीं पुत्री का उन्होंने किया, बोले उचित निर्णय ना तुमने संज्ञा देवी लिया।
पहले जाकर अपने पति से आज्ञा लेकर आओ। सच बतला कर चाहे फिर तप करने तुम लग जाओ। अपने पति से राज कोई ना पुत्री छुपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री को समझाया के अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी काम उचित नहीं। यदि तुम तपस्या करना चाहती हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर आओ। सूर्यदेव भी तुम्हें तपस्या करने के लिए मना नहीं करेंगे। बिना पति की आज्ञा के मैं तुम्हें तप करने की अनुमति नहीं दे सकता। अपने पिता से कोई सहायता जब ना पाई है, संगा देवी तप करने को वन में आई है। अश्विनी रूप है संगा ने फिर अपना लिया बनाए, ताकि कोई पहचान नहीं हो सूर्य देव जब आए। लीन तपस्या में संगा फिर तो हो जाती है, उसके पत्नी धर्म को छाया देवी निभाती है। धीरे धीरे भक्तों यूं ही बीतता समय रहा, सूर्य के ताप का छाया पर ना कोई असर हुआ। सूर्य देव भी छाया को पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्त जनों, संज्ञा देवी ने अपना अश्विनी रूप बनाकर वन में कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। इधर छाया देवी संज्ञा के जैसे अपने पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही थी। सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझ रहे थे। संज्ञा देवी से भी सूर्यदेव को 3 संतान उत्पन्न होती हैं। छाया देवी को सूर्य देव से हुई 3 संतान, सावरणी मनु शनि देव और भद्रा जिसके नाम। व्याकुल तो होती है छाया ताप सूर्य का सहके, घोर तपस्या भी करती थी भूखी प्यासी रहके। छाया गर्भ से शनि देव का जब है जन्म हुआ, श्याम वर्णना सूर्य देव का उनसे सहन हुआ। जान गए वो संगा नहीं ये उसकी छाया है, क्यों छाया ने भेद ये जाने मुझे छुपाया है। सूर्य देव बड़े क्रोधित छाया पर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन। कृपा कर छाया नंदन, तेरे चरणों में है वंदन। भक्त जनों, जब छाया गर्भ से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। तब तो छाया देवी की असलियत जान लेते हैं और छाया देवी पर बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं। बोले तेजवान मैं हूँ और पुत्र हुआ काला, कैसे ये बालक हो सकता है मेरा लाला। छाया देवी सूर्य देव को
बड़ा समझाती है। क्रोध की ज्वाला शांत नहीं पर उनकी हो पाती है। सूर्य देव का जब है देखा बदला हुआ व्यवहार, शनि देव ने अपने मन में क्रोध किया है अपार। वक्र दृष्टि शनि देव ने सूर्य देव पर डाली, सूर्य देव की काया भी फिर हो गई तो काली, और कुष्ठ रोगी भी सूर्य देव हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों जब सूर्य देव ने शनि देव को पुत्र के रूप में अपनाने से मना कर दिया और उनकी माता पर भी क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने पिता पर वक्र दृष्टि डाल दी, जिससे सूर्य देव का तेज नष्ट हो गया और सूर्य देव कुष्ठ रोगी भी हो गए। फीका पड़ने लगा सूर्य का जो था तेज अपार, सूर्य देव ने भोलेनाथ से करी है करुण पुकार। अंतर्यामी भोलेनाथ ने बातों को जाना, सूर्य देव को ही अपराधी इसके लिए माना। सूर्य देव ने अपने किए का किया है पश्चाताप, शनि देव ने वापस लिया है फिर तो अपना शाप। सूर्य देव ने चाहे अपनी मानी गलती है, पिता पुत्र में इसीलिए तो कभी न बनती है। शनि देव अपने अपमान को सह नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जनों शनि देव अपने पिता के द्वारा किया अपमान को सहन नहीं कर पाए। भोलेनाथ ने पिता और पुत्र के बीच में सुलह तो करवा दी, किंतु आज तक पिता और पुत्र के बीच बनती नहीं है। भोलेनाथ को शनि देव का न्याय प्रिय स्वभाव बड़ा ही पसंद आया और उन्हें न्यायाधीश का दर्जा देकर सम्मानित किया। भोलेनाथ ने न्याय प्रिय जब देखा है व्यवहार, न्यायाधीश का शनि देव को सौंप दिया है भार। नवग्रहों में भोलेनाथ ने दिया प्रथम स्थान, कर्म फलों को देने वाला बना दिया भगवान। शनि देव सृष्टि पर तब से ही साम्राज्य करे, दानो मानो देव संत सब पर ही राज करे। श्याम वर्ण है इनका लेकिन भक्तों के मन भाए, इनके दर से भक्त निराश न कोई भी जाए। शनिवार के दिन ही ये तो पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कृपा कर छाया नंदन तेरे चरणों में है वंदन, कृपा कर छाया नंदन तेरे चरणों में है वंदन। भक्त जनों भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शनि देव को न्यायाधीश नियुक्त किया। शनि देव अच्छे और बुरे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनि देव की भक्ति अत्यंत ही कल्याणकारी है। शनि देव को काले वस्त्र अत्यंत ही प्रिय होते हैं और काली तिल तथा काली उड़द भी चढ़ाए जाते हैं।
काला कपड़ा काला दिल जो इन्हें चढ़ाता है, मुक्ति सारे ही कष्टों से भक्तों पाता है। और सरसों का तेल भी जो कोई इनको भक्त चढ़ाता, यश बल और धन वैभव है अपने जीवन में पाता। शनि देव के न्याय चक्र का उचित है बड़ा विधान, राजा हो या रंक कोई है के लिए एक समान। शनि देव जो प्रसन्न रहे खाली झोली भरते हैं, लेकिन मिथ्याचारी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। सत्य राह पे चलने वाले इनको भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, शनि देव की कृपा दृष्टि जिन भक्तों पर हो जाती है तो उसको पल में ही रंक से राजा बना देते हैं। सत्य की राहों पर चलने वाले सदैव शनि देव की कृपा के पात्र होते हैं। मिथ्याचारियों के लिए शनि देव शत्रु ही समझो। अतः सब भक्तों से प्रार्थना है कि सदैव सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। शनि देवता कभी अकारण क्रोध नहीं करते, इनसे अत्याचारी और अधर्मी सदा डरते। सुंदर कांड पाठ बड़ा इनके मन को भाता है, हनुमान का भक्त भी इनसे निर्भय हो जाता है। सभी विघ्न बाधाओं का यह कर देते हैं नाश, सभी ग्रहों पर शनि देव का चला सदा ही राज। शनि देव की पावन गाथा सुनते हंसराज, बड़े भाव से कथा को गाता भक्तों डीएस पाल। फौजी सुरेश भी शनि चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब कर्मों के फलदाता ये माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।